अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 3k और सी इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के। कह रहा फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस b और प्लस 3c। कह रहा ऐसा वेक्टर फाइंड करें जो इस वेक्टर के 6 टाइम होगा और वो एक दूसरे पैरेलल है। तो हमारे पास हम कहते हैं जो ये एन एस ए वेक्टर हम कहते बनाते हैं, दैट गिवन वेक्टर का नाम हम लिख लेते हैं v। तो ये वेक्टर हमारे पास है 2a माइनस b प्लस 3a, इसमें a b c की जो वैल्यू वो पुट कर तो वेक्टर a v मालूम कर लेते हैं। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, अब ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये माइनस साइन था, इनके साइन तब्दील हो गए, माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3k और ये आ जाएगा आपके पास प्लस 3i प्लस माइनस माइनस 3 टू 6j प्लस 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 3 3k। अब हमारे पास देखें इसमें ये लिखा है i, ये भी i लिखा है, ये भी i, तो प्लस के हो गए 5 माइनस के 4, तो प्लस का एक i रह गया। ये देखें प्लस के 2 और प्लस के 2 4 हो गए, माइनस का 6 तो माइनस के 2j हो गए। इस तरह k हमारे पास प्लस के हैं 5 और माइनस के हैं 3, तो प्लस के 2k आ गए। ये हमारे पास जो वेक्टर है गिवन हमने निकाल लिया, ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास गिवन वेक्टर आ गया v वेक्टर, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली। हम सपोज कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो वेक्टर हमारे पास u है, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब देखिए वो अगर दोनों वेक्टर कहते हैं वेक्टर u, u एंड v आर पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालें u और इसका यूनिट वेक्टर, तो ये बराबर होंगे, पैरेलल हैं। तो अब यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। इसी तरह ये भी हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, अब हमारे पास देखिए जो गिवन वेक्टर है उससे हम इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे एक चीज दी हुई है उसने, जो मैग्नीट्यूड जो है ना वो गिवन है हमारे पास, वो है 6 यूनिट। अब देखें ये चीज हम पहले फाइंड कर लेते हैं इसकी, कि जो वेक्टर हमारे पास आएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय पहले उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं वेक्टर बी का। वेक्टर बी हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आई माइनस 2j प्लस 2k, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, क्या गया 1 प्लस 4 प्लस 4, क्योंकि इवन पावर है ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 9, ये 3 का स्क्वायर है तो ये रूट से कट जाएगा, तो आ गया 3, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 3। तो हम जिसकी वैल्यू है मेरे पास वो आ जाएगी, ये वेक्टर हमारे पास है आई माइनस 2j प्लस 2k और हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया वो है 3, ठीक है। अगर हम कहते हैं ये वेक्टर जो है यू और मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है वो 6 है, तो ये क्रॉस होगा, हम वेक्टर u मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर u जो हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड 6 टाइम जो है उसका दिया हुआ था, ठीक है, वो इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देगा जो वेक्टर हमने मालूम किया है। तो ये था हमारे पास 6, इसको हम ऐसे लिख लेंगे वेक्टर u जो है, जो हमने रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 6
इंटू आई माइनस टू जे प्लस टू के डिवाइड बाय थ्री। ठीक है, ये हमने इसके साथ क्योंकि जो जो हमने वेक्टर जो उनसे हमने मालूम कि जो हमारे पास गिवन वेक्टर है वो उसका जो वेक्टर जो उनसे पैरेलल है वो उसके सिक्स टाइम है, तो ये हमने इसका वेक्टर निकाल लिया था इसका। अब ये इससे हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, तो जो वेक्टर यू जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर था वो क्या इतना बन जाएगा टू आई माइनस फोर जे प्लस फोर के, तो ये वेक्टर जो उनसे हमने मालूम कर लिया इसका। तो इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर है कोई भी, बस एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर जो उनसे है वो इसका सिक्स टाइम है पैरेलल है, तो इसका मतलब उसके पैरेलल है, लेकिन क्या होगा कि बड़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि पैरेलल हो जितनी मर्जी इसकी अमाउंट हो, चाहे एक जो उनसे है 2 सेंटीमीटर हो एक 100 सेंटीमीटर हो, अगर वो दोनों बराबर चल रहे हैं तो दोनों पैरेलल होते हैं। उसकी जो उनसे स्केलर जो क्वांटिटी वो उसमें काउंट नहीं करती कि वो 10 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर, अगर वो पैरेलल है तो वो पैरेलल होते हैं, उसका यू जो उनसे है ना सिक्स टाइम जो सा वेक्टर हो इसके बराबर होगा। इंटरनली कर लेते इसको, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि दो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ही है, हम इसको कोई हमारे पास एक हम कह लेते हैं कि ये ओ पी हो गया, ठीक है पोजीशन वेक्टर। दूसरा कौन सा हमारे पास क्यू है, ये आ गया हमारे पास क्यू। कह रहा जो इनको एक लाइन जो ज्वाइन करती है इस पे कोई पॉइंट हमारा आर है जो किस रेशो में है 2:1 में है, यानी कि कोई हमारे पास कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये आर है, ये हमने ये मालूम करना है ओ आर, इसको हम कह लेते हैं आर, कह लेते हैं ओ आर मतलब पोजीशन वेक्टर, इसको आर से डिवाइड करना है। ये रेशो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 और 1 में, इसको हम कह लेते हैं एम वन और इसको कह लेते हैं एम टू, और ये ओ पी को हम ए लिख लेते हैं और ओ क्यू को हम बी लिख लेते हैं। ये एक डायग्राम है इसकी, ठीक है, कि हमारे पोजीशन वेक्टर OP को हमने A से डिवाइड कर लिया है और OQ को B से, और जो रेशियो जो थी 2:1 पे डिवाइड कर रहा है पॉइंट R, एक को मैंने M1 कह दिया और दूसरे को M2 कह दिया। इस पे हमारा जो ना रेशियो थ्योरम से ही हल होगा सवाल। अब हम लोग देखिए हम करके लेट कर लेते हैं, इसका हम कहते हैं जी लेट A वेक्टर जो है वो किसको किसके बराबर है OP के बराबर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब वो क्या वो किसके बराबर था, ये उसकी वैल्यू हमारे पास है आई प्लस टू जे माइनस के, ये इसके बराबर, ये जो है वो इसके बराबर हमारे पास आ गया। इसी तरह हम कहेंगे कि बी जो से वेक्टर हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास ओ क्यू के बराबर, वो कौन सी वेक्टर है उसकी पोजीशन है ये हमारे पास आई माइनस आई प्लस जे और प्लस के, ये हमने जो उनसे वेक्टर डिनोट किया उनकी वैल्यू लिख दी हमने। अब देखिए ये जो है ना इस पर लिखता है रेशियो थ्योरम, बाय रेशियो थ्योरम से हम हल करेंगे, ठीक है। रेशियो थ्योरम से वो रेशियो थ्योरम है क्या, उस पे जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है वो मल्टीप्लाई करता है अपोजिट रेशियो से, ठीक है, जैसे कि ए मल्टीप्लाई करेगा एम टू से और बी मल्टीप्लाई करेगा एम वन से और डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, तो ये इसका ये पोजीशन हम कहेंगे रेशियो थ्योरम के। इसको मतलब है हमने मालूम क्या करना है ओ आर, यानी कि ओ आर किसके बराबर है हमारे पास, ओ आर हमने मालूम करना है और ओ आर किसके बराबर हमने लिया है आर के बराबर है, ठीक है। तो आर के बराबर है तो हम उस पर रेशियो थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ए एम टू प्लस बी
एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू, ये हमारा रेशियो ऑफ थ्योरम है। अब इनकी वैल्यू का हमें पता है, ए किसके बराबर है, ए हमारे पास हमने पहले बता दिया, ये आपने रिलेट किया था ओपी को, ये आ जाएगा हमारे पास आई प्लस टू जे माइनस के, और एम टू की वैल्यू हमारे पास वन है मल्टीप्लाई वन, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस आई प्लस जे और प्लस के डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, टू प्लस। अब देखें इसके ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके खोल देते, वन से करेगा तो ये ऐसे आ जाएगा आई प्लस टू जे माइनस के प्लस माइनस माइनस आई प्लस 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 जे प्लस, इसकी वैल्यू को हमने कैसे मल्टीप्लाई कराना है, टू से मल्टीप्लाई कराना है। हो जाएगा माइनस टू ए प्लस टू जे प्लस टू के, ये टू से हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया से ओवर टू और वन थ्री। अब देखें ये आ गया माइनस टू आई और ये प्लस का, तो माइनस का आई ये प्लस के टू है, ये भी प्लस के है, तो हो जाएगा प्लस के फोर जे, और के देखें टू में से माइनस वन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का के ओवर थ्री। तो ये हमारे पास जो है जो हमने ओ आर जो से कहेंगे ना ओ आर, मतलब हमें मालूम करना है वो किसके बराबर आ गया, माइनस वन ओवर थ्री आई प्लस फोर ओवर थ्री जे प्लस वन ओवर थ्री के, ये हमारे पास उसका इंटरनली जो है उसने जो करेगा वो इतना उसके डिवाइड करेगा, ठीक है, जो वेक्टर जो इंटरनल करेगा वो और उसकी जो सा वेक्टर है वो ये है उसी वेक्टर का। अब दूसरा इसका एक पार्ट है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो कहते हैं ना एक्सटर्नली, ये तो था हमारे इंटरनली के लिए, ठीक है, ये हमने जो सॉल्व किया है वो इंटरनली के लिए सॉल्व किया है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब दूसरा जो होता है वो हमारा एक्सटर्नली के लिए, एक्सटर्नली इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है बाहर चला जाएगा, ये डायग्राम ऐसे उठेंगे इसकी, ये हमारे पास था OP, ये OQ हमारे पास आ गया। अब जो से जो पॉइंट R है वो बाहर रहेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी टू और ये वन, ठीक है, हम इसे कोई कहेंगे एम वन ये और एम टू ये, सिर्फ फॉर्मूले में फर्क पड़ जाएगा, ये ए ये बी जो हमने लिखा था, अब हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, हम करेंगे वही रेशो थ्योरम से इसको भी हल करना है हमने, एक्सटर्नली को फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमने वही मालूम करना है इसका आर, तो क्या हो जाएगा ये ओ आर किसके बराबर में रिटर्न किया हमने इसको आर से, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा वैसे ही लिखेंगे ए एम टू, अब सिर्फ साइन हो जाएगा माइनस बी एम वन टू माइनस वन, ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास थी आई प्लस टू जे माइनस के, ये वन से मल्टीप्लाई करना बी में से आना है माइनस, अब बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस आई प्लस जे और प्लस के, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है टू से, और नीचे आ जाएगा हमारे पास वन, तो ये बन गया हमारे पास आई प्लस टू जे माइनस के माइनस माइनस प्लस, टू से मल्टीप्लाई करें ठीक है, जो होगा टू आई माइनस प्लस माइनस टू जे माइनस प्लस माइनस टू के, ठीक है, वन से उसकी बोल गई। अब हमारे पास देखें क्या वैल्यू बन गई इसकी आर की लिए, जब एक्सटर्नली होगा तो उसकी क्या पोजीशन बन रही है टू आई और वन आई, तो हो गया थ्री आई, टू जे में से जे निकलेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो जे,
ये माइनस के और ये भी माइनस होगा, माइनस के थ्री के, तो जो आंसर आ गया हमारा उसका ओ आर की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, ओ आर जो हमारा था वो आ गया हमारे पास थ्री आई माइनस थ्री जे, तो इसमें थ्री के। ये बन गया क्या थ्री आई माइनस थ्री के, ये उसके लिए एक्सटर्नली लिख लिया गया, सिर्फ हम कुछ भी इसमें नहीं, सिर्फ माइनस लग जाएगा ऊपर में, यहाँ प्लस था उधर माइनस आ जाएगा।